हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपडेट करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। 29 सालों बाद 24 जनवरी 2020 मौनी अमावस्या, शनि आएंगे घर, पांच राशियों की पलटेगी किस्मत। सूर्य पुत्र शनिदेव, जिन्हें न्याय के देवता कहा जाता है, ये अच्छे कर्म करने वाले को सदैव अच्छा फल देते हैं, तो वहीं यदि किसी के जीवन पर इनकी टेढ़ी नजर पड़ जाए तो उसका जीवन कष्टों से भर जाता है। साल 2020 में करीब 29 सालों के बाद 24 जनवरी शुक्रवार के दिन शनि अपनी मूल राशि मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि मौनी अमावस्या का खास दिन होगा और जिसे बहुत बड़ा संयोग माना जा रहा है। ज्योतिष अनुसार जब भी इस तरह ग्रहों का कोई राशि परिवर्तन होता है, तब उसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर भी जरूर पड़ता है। आइए जानते हैं साल 2020 में शनि के इस गोचर का किस राशि पर क्या शुभ अशुभ प्रभाव पड़ने वाला है। मेष राशि। शनि के इस गोचर के चलते मेष राशि के जातकों को उनके कर्म क्षेत्र में विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। धन प्राप्ति के साथ ही खर्चों में भी वृद्धि होगी। आर्थिक परिस्थितियाँ अनुकूल रहेंगी। अपने सभी कार्यों को आप ठीक तरह से पूरा कर पाएंगे। वृषभ राशि। शनि का ये गोचर वृषभ राशि के जातकों के लिए शुभ रहेगा। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। वाणी पर संयम रखें। शनि के मकर राशि में प्रवेश करने के कारण आपका भाग्य चमकने की संभावना है। कर्ज मुक्ति और आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए शनि का ये गोचर उनके कर्म भाव पर होगा, जिसके चलते इस परिवर्तन के आपको सामान्य फल मिलेंगे, लेकिन विदेश यात्रा के लिए समय बेहतर रहेगा और विदेशी कार्य आसानी से बन जाएंगे। आर्थिक मामले कुछ समय के लिए टालना ही बेहतर होगा। कर्क राशि। 2020 में होने जा रहा शनि का ये गोचर आपके लिए शुभ रहेगा। साल की शुरुआत में बिजनेस से जुड़े मामलों में बेहतर निर्णय के साथ ही सफलता प्राप्त होगी। कुछ जबरदस्त प्रोजेक्ट मिलेंगे, जिससे आपको लाभ होगा। संतान पक्ष को लेकर सावधानी रखें। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए शनि का ये गोचर कार्यों के प्रति सही दिशा में प्रेरणा देने वाला होगा, जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचने में मदद करेगा। मेहनत और संघर्ष बढ़ेगा, लेकिन सफलता भी अवश्य मिलेगी। इस समय यदि आप धैर्य से काम लेंगे तो नौकरी में प्रमोशन का योग बन सकता है। कन्या राशि। आपके लिए ये राशि परिवर्तन धन संबंधी मामलों में शुभ रहेगा। धन लाभ के साथ ही भूमि व वाहन खरीदारी के योग भी बन सकते हैं, लेकिन सेहत के प्रति सावधान रहें। छात्र वर्ग के लिए समय शुभ रहेगा। तुला राशि। शनि के गोचर के प्रभाव के चलते तुला राशि के जातकों के जीवन में संघर्ष की अधिकता रहेगी। धन लाभ तो होगा, लेकिन इसके लिए आपको अधिक मेहनत करनी होगी। आर्थिक मामलों के प्रति थोड़ा सावधानी की जरूरत है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि का ये राशि परिवर्तन शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि से शनि की साढ़े साथी खत्म होगी, जिसके चलते आपको धन लाभ प्राप्त होने के संकेत हैं। मकान वाहन का सुख मिलने के योग बनेंगे, तो वहीं कर्जों से भी मुक्ति मिलेगी। धनु राशि। शनि का ये राशि परिवर्तन धनु राशि के लोगों के लिए सामान्य रहेगा। किसी भी कार्य की शुरुआत के लिए आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। बिजनेस वर्ग के लिए भी ये समय संघर्षपूर्ण हो सकता है। खर्चों में भी वृद्धि के योग है। मकर राशि। मकर राशि के लिए ये राशि परिवर्तन सामान्य रहेगा। शनि आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे, जिस कारण आपको मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि व्यापार में ये समय लाभ कमाने का होगा। विदेश जाने का सपना भी इस समय पूरा हो सकता है। कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए ये गोचर सामान्य रहेगा। आपकी राशि में संघर्ष और मेहनत अधिक होगा। आर्थिक निवेश संबंधी मामलों में सोच समझ कर ही फैसले लें। घर की साज सज्जा से संबंधित चीजों में धन खर्च होने के योग हैं। मीन राशि के जातकों के लिए शनि का ये गोचर वैसे तो शुभ फलों के साथ दस्तक देगा, लेकिन धन लाभ के साथ साथ खर्चों की अधिकता के योग भी बनेंगे, जिस कारण आप धन संचय नहीं कर पाएंगे। बिजनेस को लेकर कई नए अवसर मिलेंगे, जो आपको समाज में एक नई पहचान बनाने में मदद करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हों, तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।